जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। सीधी सी बात है, जो हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं दो रीज़न से बेसिकली करते हैं। एक तो अपनी मेमोरी स्टोर करने के लिए फ़ोटोज़ के थ्रू कि हमने कहाँ क्या किया था, और दूसरा सोशल मीडिया पे ऐसे तहलका मचाने के लिए। और सोशल मीडिया से याद आया, ज्ञान थेरेपी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो आप हो सके तो वहाँ फॉलो कर लेना। तो वैसे तो आप लोग फ़ोटो क्लिक करने के लिए काफ़ी सारी वीडियो देखते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि ऐसे हम लोग दूसरे फ़ोन से एक फ़ोन के कैमरे को रिफ्लेक्ट करा के यूनिक सी फोटो बना सकते हैं। और अगर ऐसे ना हमारे पास बल्ब वगैरह हो तो उनसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैमरे के सामने लगा के कुछ अलग अलग तरीके से फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। या फिर सबसे ज़्यादा पानी वाला कि पानी को नीचे गिरा के उसके बाद आप उसके रिफ्लेक्शन के थ्रू फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी फोटोज़ आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके आपको दिखाए जाते हैं और नो डाउट उनको अप्लाई करके आप काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जितना आप देखते हैं उतना मुझे पता है कि सब तरीके अप्लाई नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हम लोग कहीं नॉर्मली फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो तो हमारे पास वो सामान हो। तो आज मैं आपको कुछ मुश्किल नहीं सिंपल से तरीके बताता हूँ जिनको अप्लाई करके सच में आप अच्छी फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। तो आपको हर कोई बताता है कि सबसे पहले हमें फ़ोटो क्लिक करने से पहले कैमरा को क्लीन करना चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना है, इस खूबसूरत से डिज़ाइन का क्या करना है, बिल्डिंग जो भी है इसकी मुझे क्या करना है, फ़ोटो को क्लिक करना है। तो मैं क्या करूँगा, कैमरा ओपन करूँगा, इस फ़ोटो को क्लिक कर दूँगा तो आपके सामने कुछ ये फ़ोटो आ जाएगी। लेकिन कभी कभी अगर आपके फ़ोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा है तो वो हमेशा यूजलेस नहीं होता, ऐसी जगह काम आता है। अब सेम फ़ोटो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्ट्रा वाइड एंगल से क्लिक कर रहा हूँ, तो अल्ट्रा वाइड एंगल से फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ोटो मिलती है। तो देख सकते हैं आप दोनों फ़ोटो में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। थोड़ा सा आपको भी ना स्मार्टफोन के साथ स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। जैसे हमें अल्ट्रा वाइड एंगल से फ़ोटो क्लिक करना और मेन ऑब्जेक्ट हमारे सामने, तो उसको हमेशा बीच में रखना। अगर उसको हम लोग साइड में या इधर उधर करेंगे तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से क्या होता है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से फिश आई इफेक्ट आ जाएगा, किनारे से बिल्डिंग थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। ये सभी के साथ है। बाकी एक टिप तो आपने सुना ही होगा कि फ़ोन को ज़मीन पर ऐसे उल्टा रख के अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो जो आएगी आपके सामने ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। तो कई बार इनको भी आपको अप्लाई करना चाहिए, और ये तरीका कई जगह काम आता है। जैसे हमें किसी की फ़ोटो क्लिक करना, अपनी फ़ोटो क्लिक करवाना, तो मेन कैमरा ओपन करके फ़ोन को ज़मीन पर रख के आपको फ़ोटो क्लिक करना, काफ़ी अच्छी फ़ोटो आती है। और अगर इसी फ़ोटो में थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, हम लोग लाइव फोकस को ऑन कर देते हैं यानी कि पोर्ट्रेट मोड, तो फ़ोटो कुछ ये बन जाती है। यानी कि दोनों फ़ोटो में आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। तो कई बार कहा ना मैंने कि आपको खुद भी सोचना पड़ सकता है फ़ोटो को बढ़िया बनाने के लिए। और अगले तरीके का नाम है रूल ऑफ थर्ड। तो ऐसे ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, इसमें कुछ नहीं करना होता। ऑब्जेक्ट को यानी कि जिसकी हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, या तो उसको लेफ्ट रखना है या फिर उसे राइट रखना है। बस आपको सेंटर में नहीं रखना, क्योंकि सेंटर में रखते हैं तो कुछ इस तरह फोटो आएगी, अगर हम लोग लेफ्ट या राइट रखते हैं तो ये फोटो आएगी। तो यानी कि आपको रूल ऑफ थर्ड फॉलो करना है। वैसे इसका प्रॉपर तरीका ये है कि सेटिंग में जाके आपको ग्रिड लाइंस का ऑप्शन मिलता है, उसको इनेबल करना है, तो इससे और आसान हो जाएगा। क्योंकि ये लाइंस आ जाएंगी ना, तो इन लाइंस को देख के अंदाजा लग जाएगा कि हमें ऑब्जेक्ट को लेफ्ट रखना है या राइट रखना है एग्जैक्ट पोजीशन के साथ। और पोजीशन लेफ्ट या राइट रखना है तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आप किसी इंसान की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो जिस तरफ देख रहा है उस तरफ आपको ज़्यादा डिस्टेंस देना है। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा इनेबल करना है, जैसे ये बिल्डिंग की फ़ोटो क्लिक कर रहा था तो ये सेंटर में ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट साइड में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ आपको सोचना है और बढ़िया से फ़ोटो क्लिक कर देना है। ये ग्रिड लाइंस स्पेशली वहाँ काम आती है जहाँ आप किसी बिल्डिंग की फ़ोटो क्लिक करते हैं। जैसे मैं ये स्टैचू की फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा सकता हूँ स्टैचू की पोजीशन, या स्टैचू को सेंटर में रखना है, चाहे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ करूँ चाहे नॉर्मल कैमरा यूज़ करूँ, तो यहाँ से जो आपकी फ़ोटो आएगी वो मच बेटर आएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इनेबल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी छोटी सी बात लगी होगी, लेकिन छोटी छोटी बातें किसी फ़ोटो को अच्छा बना देती है नॉर्मल से। और अगर आप नेचर फूल पत्तियों के साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो यहाँ से मैंने एक सिंपल सा पत्ता तोड़ लिया पेड़ से, उसके बाद इसमें एक छोटा सा होल बना दिया। यहाँ बगल में पानी पड़ा था, इसमें मैंने इसको डिप किया। डिप करने के बाद मैंने क्या किया, सन के अपोजिट में इस पत्ते को रख के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ। और इस पत्ते में जो मैंने होल किया था उसमें से क्या कर रहा हूँ, सन की रोशनी को थोड़ा सा मैनेज करके कि कहाँ से सही आ रही है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी मस्त मस्त फ़ोटो मिलेंगी। ये तो मैं आपको नॉर्मल फ़ोटो दिखा रहा हूँ बिना एडिटिंग के। आप थोड़ा बहुत एडिट करके, कोई कोई फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट अच्छी लगती है, कोई कलर्ड, तो आप एकदम मस्त फ़ोटो बना सकते हैं। थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाएंगे, जब इंटरेस्ट होगा तो अपने आप लगेगा क्या दिमाग। तो ऐसे जाते जाते क्या हुआ, यहाँ पे एक फूल दिखा मुझे, तो यहाँ भी यही कंसेप्ट लागू होता है। इस फूल की फ़ोटो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नॉर्मली आप लोग ऐसे फ़ोटो क्लिक करेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा कैमरा एंगल को नीचे सेट किया, HDR मोड को इनेबल किया, और आपके पास जो फ़ोटो आती है ये मच बेटर है। देखने वाले को ही पता लग जाएगा कि ये फ़ोटो में कितना फ़र्क है दोनों में। और अगेन जब मैं फ़ोटो क्लिक करके निकल रहा था तो ये जगह दिख गई, यहाँ पर भी काफ़ी लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके दिखाते हैं। अभी आपको सेट कर लेना अपना पोजीशन, कैसे टेंशन मारना आपको वो आपके ऊपर है,
आइडिया मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे इस फोटो को नॉर्मली लोग क्लिक कैसे करेंगे, या फिर इस साइड से क्लिक करेंगे या किसी के उस साइड से क्लिक करेंगे, मतलब आप नॉर्मली कुछ इस तरीके से फोटोज क्लिक करेंगे। लेकिन अभी मैंने क्या किया, नीचे जो ये हरी भरी घास थी इसका फायदा उठाओ, कैमरे को थोड़ा सा नीचे किया मैंने, टैप मैंने किया किस पे, जिसकी फोटो क्लिक करना है उस पर फोकस कर दिया, और उसके बाद ये फोटो कुछ इस तरीके से बन जाएगी जो दिखने में मच बेटर है और नॉर्मल से एकदम फोटो हटके लगेगी। तो यही सारी फोटोज ऐसी होती हैं जो आपको कुछ अलग बनाएंगी बाकी फोटोज से। और यहाँ आप चाहें तो रूल ऑफ थर्ड फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को साइड में कर दिया और अभी फोटो ये है। तो इस तरीके से आपके ऊपर है कि आप कितनी कलाकारी दिखा सकते हैं। और ये मेरे पास डब्बा भर के लेंस पड़ा हुआ, तो इसके ऊपर वीडियो भी मिल जाएगी जल्द आपको, लेंस के साथ कैसे आप अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। सच बता रहा हूँ, फोटो तो आप क्लिक कर देंगे लेकिन आज से जब 5 साल बाद 10 साल बाद देखेंगे ना, तो अगर कुछ यूनिक फोटो होगी तो ही अच्छा लगेगा आपको। तो ऐसी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लाने की कोशिश करता हूँ। और फिर मिलते हैं, गुड बाय।